इंदौर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे मौजूद रहे। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी को याद करते हुए उनके जीवन काल, संघर्ष और बलिदान को याद किया। वहीं कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि सत्ता में होते हुए कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे, इस अभियान का उपचुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। कल्पनाओं में अपन गढ़ लेते हैं, इससे भी ज्यादा समय तक विभाग पर परस्पर बातचीत होती है और इससे भी पहले दिल्ली जाते रहे हैं और इसके पहले सबसे चर्चा की जाती है, सबसे चर्चा करने की परंपरा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई व्यक्ति प्रधान पार्टी नहीं है, न ही किसी परिवार प्रधान पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए सबको साथ लेकर चलने की परंपरा है, उसी का निर्वहन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में किसको क्या विभाग दिया जाए, ये क्या गोविंद सिंह जी तय करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। इतनी चिंता कांग्रेस के लोग अगर अपनी पार्टी की कर लेते तो आज विपक्ष में काहे को होते। इनकी जो भी कुछ होना है एयर कंडीशन कमरे में होना है। 15 महीने सरकार रही तो एयर कंडीशन बंगले में रहे, जनता के बीच में नहीं गए। अब 4 महीने से विपक्ष में है तो एक जना जनता के बीच में नहीं गया। जो कुछ होना है कमरे के अंदर होना है, एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के मैराथन कर लें तो खुद ही नहीं दे पाएंगे जवाब, उनसे कोई पूछ ले तो। उनने ये 24 में से पूरी 24 नहीं घूमी है अभी तक।